कि हम इस वीडियो में विभाजन सूत्र भी बताएंगे और उनके प्रश्न को हल करवाएंगे। ठीक है, तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 + m2x1 पूरे बटे m1 + m2, और दूसरा m1y2 + m2y1 पूरे बटे m1 + m2। ये देखिए, ये किसके इक्वल टू होता है? ये x के इक्वल टू होता है, ठीक है, और ये किसके इक्वल टू होता है? ये y के इक्वल होता है। यानी x इक्वल टू m1x2 + m2y1 m2x1 पूरे बटे m1 + m2, और ये y इक्वल टू m1y2 + m2y1 पूरे बटे m1 + m2। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमने एक रेखाखंड बनाया, ठीक है, उस पर 3 पॉइंट बनाए हैं जो कि बिंदुओं के निर्देशांक को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से कितने अनुपात में विभाजित करता है? 3:1 के रूप में विभाजित करता है। ठीक है, जैसे कहा था कि 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम है P, इसका नाम दे दीजिए x1 y1 और x2 y2। ठीक है, P क्या होता है? x, y। ठीक, तो अब हम इसको विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, उसी से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या है? m1x2 m1x2 + m2x1 / m1 + m2 / m1y2 + m2y1 / m1 + m2। ठीक है, तो जो जो आपको मालूम है उसको आप लिख दीजिए। देखिए, हम लिख दे रहे हैं, यहां पर हमने तो दर्शा ही दिया है। ठीक है, इसको आप मान लीजिए m1 और ये हो जाएगा m2। ठीक है, तो हम पुट करते हैं फॉर्मूले पर। देखिए, m1 कितना है? 3 है, 3 × x2 कितना है? 8। फिर यहां पर प्लस m2 कितना है? 1 × x1 कितना है? 4। ठीक है, बटे m1 + m2 यानी 3 + 1। ठीक है, फिर कामा m1 कितना है? 3 × y2 + m2 1 × y1 देखिए -3 है। ठीक है, बटे 3:1 ना हो गया, तो 8 × 3 = 24 प्लस 1 × 4 3 × 1 = 4 कामा 5 × 3 = 15 फिर 1 × 3 = 3 -3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बटे के 3 × 1 कितना? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 × 4 = 8 = 24 / 28 बटे के 4 कामा 15 × 3 निकालिए, कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, 12 × 4 तो भाग दे दीजिए इसको, 4 × 7 = 28 / 4 = 12 कट गया, आया कितना? 7 / 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से विभाजन सूत्र के प्रश्न
समझ में आ गए होंगे कैसे हल किया जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 और 9, -6 को मिलाने वाली रेखा खंड को 3:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करती है। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। यहां से देखिए, एक रेखा खंड है, ठीक है, ये पॉइंट 5, -2 और ये 9, 6, ठीक है, और यहां से आंतरिक रूप से विभाजित करती है ये बिंदु P, x, y, कितने अनुपात में विभाजित करती है, 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इसको मान लीजिए x1, y1, x2, y2, और ये हो जाएगा m1 कितना हो जाएगा, m1 3 और m2 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब फार्मूले के माध्यम से हम इसको सॉल्व करते हैं। विभाजन सूत्र क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है, 3 गुड़े x2 9। ठीक है, फिर प्लस m2 कितना है, 1 गुड़े x1 5। ठीक है, इसके बटे m1 कितना है, 3 प्लस 1। ठीक है, m1 3 गुड़े y2 6 प्लस m2 1 गुड़े y1 कितना है, माइनस के 2 है। ठीक है, इसके बटे m1 कितना है, 3 और m2 1। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए 9 × 27 प्लस 1 × 5 प्लस 3 और 1 कितना, 4 कामा 6 × 18 फिर यहां देखिए प्लस या माइनस, माइनस के 2 बटे 3 और 1 कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ दीजिए कितना, 7, 5, 12 × 2 हाशी लगा 1, 2 और 1, 3 बटे 4 और 18 में से 2 निकाल दीजिए तो 16/4। ठीक है, 4 × 4 = 32 4 × 4 = 16 तो आया कितना, 8, 4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से विभाजन सूत्र के फार्मूले से ये क्वेश्चन हल करने आ गया। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए और ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा और एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो हाई स्कूल वाले खासकर इसको पूरा देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।